जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जोकी ब्रांड है। जोकी ब्रांड और स्पीडो ब्रांड है। बिजनेस मॉडल का नाम है पेज इंडस्ट्री जो लगभग एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है और एक रेजिस्टेंस के पास में 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। टॉप लगाने के बाद में कंसोलिडेट हुआ, अभी ब्रेकआउट के नजदीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से रिवर्स हो सकता है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है। तो चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए पेज इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसने टॉप लगाया था, पहले एक अप ट्रेंड का स्टॉक था। अप ट्रेंड में मान सकते हो कि कोविड के टाइम में 17 था 17 के लगभग टॉप बॉटम लगाया, फिर इसने 2 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, फिर बाद में एक डाउन ट्रेंड था। आपको सबको पता है कि अप ट्रेंड का सिग्नल क्या होता है। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं, डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तो कहाँ से रिवर्स हो सकता है, पहली चीज ध्यान दीजिए, कोई भी स्टॉक 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाता है तो उस स्टॉक से अपने को स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर निकल जाना है। फिर दूसरी बात है उससे लगभग आप 1.5 2 साल तक कोई भी कंसोलिडेट उस स्टॉक से दूर रहना है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो अपने को 61% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। हम इसका बैक टेस्ट भी किया था और आज भी हम इसका देखिए बैक टेस्ट कर लेते हैं। दो चीज होती है, रिस्क थोड़ा सी 50% पर ज्यादा रहता है लेकिन 61% की रिट्रेसमेंट पर बहुत सही जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसी चार्ट में देख लेते हैं इसी स्टॉक का। ये देखिए मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, इसकी लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने पहले। ये देखिए अब इसमें ये अप ट्रेंड का था, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं तो इस मेजर सपोर्ट के पास में, ये देखो मेजर सपोर्ट के पास में आया और यहाँ पर एक एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ जाके क्या रेजिस्टेंस मिलता है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देखिए, तो यहाँ बॉटम लगा दिया और एक टॉप लगा दिया, ठीक है। ये लगभग टॉप है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ये देखिए। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखो पहले 38% का पर सपोर्ट लिया, ये 50% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर आके 50% की सपोर्ट पर लिया। हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो केवल अपने को 61% पर रिट्रेसमेंट पर सबसे बेस्ट रहता है। ये आया ही नहीं तो हमारी बाइंग नहीं। जिनको थोड़ा रिस्क लेना है, पहली चीज तो इसने टॉप कब लगाया, टॉप लगाया इसने अक्टूबर 20, मतलब कि अक्टूबर या सितंबर 21 22 में, तो लगभग 2 साल हो चुके हैं, सितंबर ही चल रहा है, 2 साल हो गए। 2 साल में कोई भी अपने इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। इसको प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में, ये रैली का प्रॉफिट अपन मतलब के कह सकते हैं, प्रॉफिट लेने के बाद में इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। सही जगह बाइंग बनेगी तो 61% पर। अब कहीं कहीं भी अपने अब देखो रिटर्न आपको थोड़ा कम मिल सकता है लेकिन आपको कहीं टॉप में आप किसी स्टॉक को बाइंग नहीं कर सकते, मतलब इस स्ट्रेटेजी से बाइंग अपने को बनेगी नहीं कर सकते, मतलब बाइंग बनेगी नहीं। 2 3 गुना हो गया फिर 61% का रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। इसमें 2 2 गुना हो गया, 61% पे आया नहीं, जो ले सकते हैं वो 50% की रिट्रेसमेंट पे भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो ये हुई किसी भी स्टॉक को बाइंग करने की स्ट्रेटेजी। अब देखिए आपको कहीं बहुत रियर चांस होगा कि उसमें आप फंसोगे। अब देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना है, अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास में खड़ा है, मतलब ब्रेकआउट के नजदीक है, ये ब्रेकर रेडी फॉर ब्रेकआउट हो रखा है। तो इसमें देखिए इसको अगर ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी देता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है लेकिन थोड़ा रिस्क रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 3 बार टेस्ट कर लिया लेकिन ये यहाँ तक। अब इसमें देखो कंडीशन ये, अगर ये स्टॉक यहाँ पर मिले, ये लेवल पर मिले और इस लेवल पे मिले तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बने। जितना नीचे आएगा उतना ही रिस्क आपको कम होता जाएगा, यहाँ थोड़ा रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा और रिस्क कम है और सबसे सेफ जगह ये बनेगी आपको बाइंग, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि यहाँ पर आ जाए। अगर कई चांस में मिलती है, यहाँ पर कई स्टॉक होते हैं तो 50% की रिट्रेसमेंट से ही चले जाते हैं, जैसे ये हुआ, बाद में टाइटन हुआ, कई और स्टॉक है, तो इस स्टॉक का जो बढ़िया स्टॉक होते हैं वो आपको 61% की रिट्रेसमेंट पर बहुत रियर चांस में मिलेंगे। अगर कहीं मिल जाते हैं तो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन आपको रिस्क लेना है तो 50% की रिट्रेसमेंट पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन रणनीति बना सकते हैं इसका। देखिए पहली चीज ये कंडीशन है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, रिस्क रहेगा इस लेवल पे और इस लेवल पे, इस लेवल पे सबसे सेफ, इस लेवल पे थोड़ा रिस्क, और वो भी केवल बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बने तब। यहाँ पर आके ये ब्रेकआउट जिस तरह से इस तरह से हुआ, यहाँ फेल होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है लेकिन बहुत कम चांस है कि 2 3 साल से कंसोलिडेट है तो ब्रेकआउट हो सकता है। कहीं भी डीप टॉप में आप समझ ले अभी बाइंग कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, वेट कीजिए पुल बैक पैटर्न का, बाइंग टीआरसीपी का,
ठीक है, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको बने रह सकते हैं, अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, एक अच्छा आपको वापस आई टॉप भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा वापस इसके टेक्निकल, थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में देख लें, ये जोकी और स्पीडो दो इसके ब्रांड है, पेज एंटिटी जो जोकी ये गारमेंट्स आते हैं, ये इसमें देखिए आप इसमें सारे मतलब सॉक्स इसके लोअर भी आते हैं और आते हैं। दूसरा चीज़ है जो कि सब जानते हैं, इसके ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। दूसरा स्पीडो ब्रांड है जो स्विमिंग में जो भी कॉस्ट्यूम आते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये भी एक इसका ब्रांड है, दो ब्रांड है इसके। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ही देखेंगे हम और ज़्यादा नहीं देखेंगे। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं थोड़े बहुत, तो सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट देखेंगे, अदर इनकम का सोर्स भी अपन देख लेंगे। तो सेल देखेंगे तो सेल किस तरह से है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सेल, एक सेकंड, ये वाई टू वाई है, ये अदर इनकम का सोर्स, हाँ ठीक है। अब देखिए मार्च जून, मार्च और जून का देख लेते हैं। इसमें 992 था, पहले हमने डिस्कस किया था कि देखो डिक्लाइन आया है, तो ये कहीं भी बाइंग बने तो उस लेवल पे बन सकती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में जून का देखें तो 1278 है, फिर बाद में देखिए ये 1034 हो गया, तो पहले 164 था नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ये होगा 243, मतलब बढ़ के आया। अदर इनकम का सर से थोड़ा सा कम हुआ 1 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू है ये करोड़ में। नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में ये बढ़ के आया, किस तरह से बढ़ गया नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट देखे 108 है, बाद 165 है, मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ के आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए वापस टेक्निकल चार्ट पे अपन चलते हैं। सबसे वीडियो ज़्यादा लगी ज़्यादा मतलब कंक्लूजन इस वीडियो में ज़्यादा अपने सिंपल है, सिंपल चीज़ ध्यान दीजिए, सिंपल ये है कि कहीं भी इस लेवल पे मिले, इस लेवल पे थोड़ा सीरीज से रहेगा, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे दे तो इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी ने बाइंग कर ली तो इस ये दो लेवल है जहाँ पर एवरेज करने का जगह रहेगी, ठीक है। इसलिए अगर कहीं भी एवरेज यहाँ पर नहीं अपन कर सकते, इस लेवल पे, इस लेवल पे एवरेज की जा सकती है। बहुत ही बिजनेस मॉडल शानदार है, आने वाले समय में आपको एक बार, लेकिन पहली चीज ये भी है अपन इस तरह से ही रणनीति बना सकते हैं सारे स्टॉक में। कोई भी स्टॉक अगर 5 गुना हो गया प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, या लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल 15 साल के लिए 20 साल के रखना है तो उस स्टॉक में आप कहीं भी डीप मिले तो उस डीप में केवल 61% 50% की रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छी काम करती है, वहां पर लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी इसमें वीडियो का कंक्लूजन ये, वीडियो में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे या इस लेवल पे, इस लेवल पे, तीन ही जी लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर इस लेवल पे सेलिंग टीआरसीपी आपको जिस तरह से, इस तरह से सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए अगर बन जाती है तो ये लेवल आपको आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो इस तरह से रणनीति बना सकती हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।